नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ टी कैफे और अ टी क्यूएसआर। आप एक टी कैफे और टी क्यूएसआर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल, बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर आप एक टी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, कैफे या क्यूएसआर, या फिर आप बोले तो एक छोटा सा स्टॉल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाय की बात करें, वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ है। आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर कोई बंदा चाय जरूर पीता है। अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे तो हर स्टेट्स की कुछ एक स्पेशल चाय भी होती है जो कि बड़ी फेमस है। और इंडिया में इस चाय के कॉन्सेप्ट को कैप्चर करने के लिए, एक बिजनेस की तरह पे इसको डेवलप करने के लिए कई सारी कंपनीज भी काम कर रही हैं। चाहे आप चाय उसका नाम ले लीजिए, चाय सुट्टावार लीजिए, ठीक है जी, MBA चाय वाला ले लीजिए, या अगर हम लोग इसको विदेशी तर्ज पर लेके जाएँ तो स्टारबक्स हो गया, CCD हो गया, क्योंकि उनकी चाय, उनकी कॉफ़ी और हमारी चाय सेम हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर आप भी एक चाय का क्यूएसआर या कैफ़े खोलना चाहते हैं तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक बिज़नेस को सफल बनाना चाहते हैं तो ये इसको फॉर्मूला है। प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको देनी है अपने लोकल एरिया में, और टी के साथ आपको देना है एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप बात करते हैं हम एक लोकल प्रॉब्लम की, क्यों चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप ग्लोबली दूसरे स्टेट में, तो तब आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे। जब आप जहाँ पे हो या जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो वहाँ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले यही आपको समझना होगा, आपको अपनी चाय बिजनेस के साथ, चाय के कैफ़े या QSR के साथ आपको उनको चाय देनी है, साथ में उनको आपको एक्सपीरियंस भी सर्व करना है। एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है हमारे एम्बियंस से हम बोल सकते हैं, क्या हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उनके पैसों के मामले में हो जाए, उनको हम लोग सस्ती चाय प्रोवाइड कर डाल रहे हैं, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, ठीक है जी। एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं। तो इन सब चीज़ों को जो कि लोकली हमें नहीं मिल पाती, अगर आप किसी चाय के ठेले पे चले जाए तो आपको कहीं हाइजीन नहीं मिलेगी, कहीं चाय बनाने वाला आपको प्रॉपर ग्रूम्ड नहीं मिलेगा, या कहीं पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कहीं आप नाले के कोने पे आप खड़े हों, कहीं आप किसी ठिए पे या ठेले पे चाय पी रहे हो तो आपको प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि आप इसके साथ अपने एक QSR या फिर कैफ़े के साथ इन्वॉल्व करके अच्छी चाय के साथ उनको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पा रहे हो। अब तीन चीज़ें यहाँ पे आपको मेन ध्यान में रखनी है अगर आप अपना QSR और कैफ़े चाय का स्टार्ट करना चाहते हो। सबसे पहले होता है लोकेशन। लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकेशन जहाँ भी हो एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, और उस लोकेशन के बाद ही आपकी जो बोल सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स पता चलेगी, क्योंकि काफ़ी सारा खर्चा आपकी मशीनरी पे भी होने वाला है। पर एक्चुअली में देखा जाए मशीनरी पे अगर सिर्फ चाय का ही कॉन्सेप्ट है तो उतना खर्चा नहीं होता है, बट जो आइड साइड की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सारी हो जाती है। अगर एक किचन की सेटअप की बातें करें, लोकेशन के ऊपर ही आपका रेंट डिपेंड करने वाला है। अगर आप एक अच्छा इंटीरियर करना चाहते हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी इंटीरियर करना चाहते हो, चाहे आपके पास 500 स्क्वायर फीट जगह है, 1000 है, 1200 है, तो टोटली उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एक जर्नली अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 1 लाख रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग उसको 3 से 10 लाख भी ले जा सकते हैं। एक जर्नली मैंने आपको रफ आइडिया यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। जब आपके दिमाग में लोकेशन आ जाती है तो दूसरा आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा या आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है आपके कंपटीशन। जी हाँ, आपने जो भी प्रॉब्लम यहाँ पकड़ी है जिसको कि आप चाय के साथ सॉल्व करना चाह रहे हो, मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही है, आप उनको चाय दे रहे हो, साथ में कुछ और खाना भी दे रहे हो, चाय मेन है यहाँ पे, साथ में उनको एक्सपीरियंस दे रहे हो, बैठने की जगह दे रहे हो, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो वो आपके पास वहाँ पे आ रहे हैं। पर आपको ये भी देखना होगा इस लोकली प्रॉब्लम को बाकी लोग और कौन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उनको चाय तो दे रहे हैं या उनको उस प्रकार की पेय पदार्थ तो दे रहे हैं, बट बाकी की चीज़ें वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप प्राइसिंग के मामले में ले लीजिए, कोई और कैफ़े होगा उसके मामले में ले लीजिए, या ढेर सारी फ्रेंचाइजी हो सकता है कि वो भी आपके आजू बाजू में खुल गई हो, तो उस तरीके से आपको सोचना है, आपको कॉम्पिटिशन का वहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आपके प्रॉफिट मार्जिन। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपकी चाय की रेसिपी क्या है, क्योंकि अगर मैं चाय की अगर मैं बात करूँ सिंपली, अगर मेरे को दूध लग रहा है, चाय पत्ती लग रही है, पानी लग रहा है और चीनी लग रही है, चार चीज़ें होती हैं, बाकी इलायची,
अदरक आप बोल दीजिए, काली मिर्च आप बोल दीजिए, अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स बोल दीजिए। बेसिक अगर मैं बोलूँ तो 3-3.5 रुपए की हमको चाय बनती है। आप अपने घर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मेरी एक वीडियो कॉस्टिंग के ऊपर थी, आप उसे देखेंगे तो आप घर में ही अपनी चाय का जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आपको आपके चाय की कीमत पता चल गई है कि भाई मेरी चाय 3.5 रुपए की पड़ रही है, उसके बाद थोड़ी उसकी पैकेजिंग भी आप लगा सकते हैं। आप कुल्लड़ में देना चाहते हैं क्योंकि कुल्लड़ बड़ा चल रहा है आजकल, ट्रेंड में है। आप चाहें तो नॉर्मल जो कॉफ़ी मग्स में देना चाहते हैं, जिसमें भी आप देना चाहें, तो आपको देखना होगा कि एग्जैक्ट आपको कितनी पैसे बच रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ये तो नहीं जो आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं या जो रेसिपी आप बाद में फॉलो करेंगे बनाएंगे वो इतनी महंगी पड़ रही है कि आप 10 रुपये की भी चाय बेच रहे हो पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपको चाय के साथ कई सारे और भी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। मान लीजिए आप वहाँ पे बिस्किट्स दे रहे हैं, कुछ स्नैक्स दे रहे हैं, कुछ हो सकता है कि हल्का फुल्का खाने का आइटम भी रख रहे हैं, पिज़्ज़ा पास्ता रख लीजिए, बर्गर रख लीजिए, तो वो आपके कैफ़े के लिए, टी कैफ़े टी QSR के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को ही आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है अगर आप अपना एक टी का बिज़नेस करना चाहते हो। अब तो टी में इतने सारे वेरिएशन हो सकते हैं, कहीं पे चॉकलेट चाय मिलती है, मिंट चाय मिलती है, इलायची चाय मिलती है, ठीक है जी, आपको हो सकता है कि आने वाले समय में बियर की भी चाय मिलने लग जाए। मैंने बोल दिया, देखिए क्या पता कुछ समय बाद बियर की भी चाय बिकने लग जाएगी, नॉन अल्कोहलिक बियर टी, ठीक है जी, वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतने ट्रेंड आप में बोल दूँ अभी, जैसे ईरानी चाय है हमारी, हम लोग कटिंग चाय बेचते हैं, चाय के साथ हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं, कटलेट बेचते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आपकी, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स बोला, 1,00,000 रुपये में भी हो सकता है, 3 से हम 10 लाख तक भी जा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, पर वो बाद की चीज़ है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन दे रहे हो, आप किस प्रॉब्लम को पकड़ के किस कम्युनिटी को टारगेट करके आप सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, वो सबसे पहले अगर आपको समझ आएगा तब जाके आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर टी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से कुछ हेल्प ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उन्हें जाके देखिएगा ताकि आपको काफ़ी नॉलेज मिल पाए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।